तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं इस सरफेस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए सिंपली हमको इसमें रिवॉल्व का यूज़ करना है और उसके बाद इसको हमको करना है अप टू नेक्स्ट यहाँ पर सरफेस को, और इस तरह से इसमें कट लगाने के बाद ट्रिम करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं। आते हैं सॉलिडवर्क्स में और यहाँ पर लेते हैं हम न्यू, करते हैं पार्ट्स पर क्लिक ओके। और इतना करने के बाद सिंपली हमको ये लेना है यहाँ पर एक राइट प्लेन, करते हैं यहाँ पर क्लिक स्केच। और इतना करने के बाद ले लेते हैं यहाँ पर हम दो सर्कल, बना लेते हैं प्रोफाइल, इस पॉइंट को कर देते हैं इस पॉइंट से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओके, दे देते हैं इनको डायमेंशन। तो ये वाला सर्कल हमको लेना है यहाँ पर 10 डायमीटर और ये वाला सर्कल हमारा होगा यहाँ पर 14 डायमीटर। तो चलिए इतना करने के बाद ले लेते हैं यहाँ पर लाइन और करते हैं यहाँ पर क्लिक इस तरह से, और उसके बाद क्लिक करना है हमको यहाँ पर, करते हैं इस पॉइंट से ड्रैग आगे की तरफ, इसके बाद इस पॉइंट को कर देते हैं यहाँ पर टच, इसके बाद लेते हैं दोबारा से लाइन, करते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से और सेम इसी तरह से यहाँ पर ये हमको ये इस तरह से अभी के लिए मिला देना है। और उसके बाद चलिए कर देते हैं ट्रिम इसको, और यहाँ पर इसको अभी दे देते हैं डायमेंशन इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा यहाँ पर 100। तो चलिए इतना देने के बाद हमको ये पॉइंट से डिस्टेंस देना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दे देते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो ये हमारा होगा 85 का हाफ। ऊपर वाले को भी दे देते हैं डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा होगा 50 का हाफ। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये 25 और 42.5 कैसे लिया है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये 85 है, तो इसका हाफ हमने लिया है क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है और ये जो पूरी प्रोफाइल हमारी बनेगी वो रिवॉल्व से बनेगी, और ये जो हमने 25 लिया था इस पॉइंट से ये लिया था। तो अभी ये इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, दोबारा से आते हैं सॉलिडवर्क्स में और यहाँ पर लेते हैं लाइन कुछ इस तरह से, इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद दोबारा से ट्रिम, और अंदर के इस पोर्शन को ट्रिम करने के बाद दोबारा से लेते हैं हम डायमेंशन इस पॉइंट को, इस पॉइंट से दे देते हैं डायमेंशन। तो ये वाला जो डायमेंशन होगा ये हमारा होगा 70 का हाफ यानी कि 35, और ये 35 हमने क्यों लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हमारी जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इनका टोटल डिस्टेंस 70 है, तो इसका हाफ हमने ले लिया है 35। तो दोबारा आते हैं सॉलिडवर्क्स में और यहाँ पर हमको सिंपली अभी इसको करना है रिवॉल्व। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं फिर, तो रिवॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम ले लेते हैं सेंटर लाइन कुछ इस तरह से, और आते हैं हम यहाँ पर सरफेस में और क्लिक करते हैं रिवॉल्व सरफेस पर। इतना करने के बाद जो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट हमने लाइन सिलेक्ट कर लिए, जो हमारी ये रिवॉल्व की लाइन है इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमको सिलेक्टेड इसमें आना है बॉक्स में, और इसके बाद सभी लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद चलिए इसको कर देते हैं हम ओके। तो सिंपली इतनी प्रोफाइल हमारी बनके अभी तक तैयार है। तो इतना करने के बाद हमको यहाँ पर लेना है एक प्लेन, तो चलिए ले लेते हैं हमारा फ्रंट प्लेन और इसको कर देते हैं ऑफसेट, और ये जो हमको ऑफसेट करना है ये करना है 40 क्यों वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सिंपली मैं आते हैं सॉलिडवर्क्स में और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि टोटल हमारा 80 है, तो हमारा जो बीच में बाय डिफॉल्ट प्लेन क्रिएट था उसी से हमने इधर ले लिया है, और इधर 80 का हाफ होगा हमारा 40। तो यहाँ पर हमको ये वाली प्रोफाइल बनानी है 30 लेंथ, और इसकी विड्थ हमारी होगी जो ऊपर दे रखी है 15। तो इतना करने के बाद इसको हमको अप टू नेक्स्ट एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक करते हैं इस वाले फेस पर स्केच कंट्रोल 8। इतना करने के बाद लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, दे देते हैं इनको डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन हमारी होगी 30। और ये वाली होगी हमारी 15। इसके बाद इस पॉइंट को लेते हैं और ओरिजिन के इस पॉइंट को सिर्फ प्रेस करने के बाद लेते हैं और दोनों कर देते हैं वर्टिकल ओके।
भी दोबारा से स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं, और हमको इस बार नीचे वाली इस वाली लाइन को हमको लेना है जब आप इसको टच कर जाएं, दिस लाइन एंड ये ऊपर वाला पॉइंट या फिर लाइन, दोनों को लेने के बाद डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर 60, ओके। और इतना करने के बाद चलिए इसको कर देते हैं हम एक्सट्रूड, सरफेस में आएंगे और एक्सट्रूड सरफेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अप टू सरफेस, और ये सरफेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो इतना करने के बाद सिंपली जो हमारी प्रोफाइल है बन गई है, और अभी हमको इसमें करना है ट्रिम जो अंदर का पोर्शन है, और इसको करना है क्लोज। तो सबसे पहले ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम सरफेस लेते हैं, और इसके बाद जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि ट्रिम टूल हमको लेना है, तो ट्रिम टूल हम इसमें इसको लेंगे एज ए ट्रिम टूल यूज़ करेंगे। और रिमूव सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन हमारा सिलेक्ट है, और इसमें हम करेंगे इसको क्लिक, ये रिमूव करना है, कर देते हैं इसको ओके। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा रिमूव हो चुका है, और सिंपली इसको करने के बाद इसको कर देते हैं हम क्लोज। तो फिल सरफेस में क्लिक करेंगे, सभी एजेस को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इनको हम कर देते हैं ओके। तो ये हमारा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपली सेम इसी तरह की प्रोफाइल इधर भी क्रिएट करनी है, तो इधर क्रिएट करने के लिए आपको दोबारा से वही फ्रंट प्लेन लेना है, और उसके बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में आने के बाद प्लेन लेना है इधर 40, और इसके बाद सेम जैसे मैंने आपको ये बताई थी उसी तरह से इधर भी अप टू नेक्स्ट करने के बाद या फिर अप टू सरफेस करने के बाद इस तरह की प्रोफाइल बनानी है। तो मैं आपको ये कट लगा के दिखा देता हूँ जो कि आप देख रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, देखिए ये आप जहाँ पे येलो कर्सर के साथ देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पर हमको यूज़ करना है एलिप्स का, और इसकी जो हमारी हाइट होगी 10, विड्थ 20, और जो डिस्टेंस होगा हमारा मिड में होगा इसका सेंटर पॉइंट। तो चलिए आते हैं, तो सिंपली इतना करने के बाद फ्रंट पे ले लेते हैं, करते हैं इसको स्केच कंट्रोल 8, और इतना करने के बाद यहाँ पर लेते हैं एलिप्स कुछ इस तरह से। एलिप्स के ये दोनों पॉइंट्स लेते हैं शिफ्ट के साथ, और इन दोनों को यहाँ पर कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो यदि हम इसको हाफ भी लेंगे तो भी हमको कंप्लीट मेजर कर लेगा, तो हाफ हमको लेना है 10, इस ओवरऑल देते हैं इसको 10, लेते हैं सेंटर पॉइंट को शिफ्ट के साथ, इसको दोनों कर देते हैं कोइंसिडेंट ओके। इतना करने के बाद इसको दे देते हैं हम डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो कि हमको लेना है यहाँ पर 45, और इतना करने के बाद यहाँ पर आते हैं सरफेस में, और इसको हमको करना है एक्सट्रूड सरफेस। तो सिंपली इतना करने के बाद इसको ले लेते हैं हम मिड प्लेन से, और यहाँ पर हमको ले लेते हैं इसको 30, तो हमको ये मैक्सिमम लेना है। तो इतना करने के बाद हमको इसको करना है ट्रिम कुछ इस तरह की प्रोफाइल बनाने के लिए जो कि आप आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं। तो दोबारा से आते हैं सॉलिडवर्क्स में, करते हैं यहाँ पर ट्रिम सरफेस पर क्लिक, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको एज ए ट्रिम टूल, इसको करना है ट्रिम, अंदर वाले पोर्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी कर देते हैं इसको ओके। तो इसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस, ट्रिम सरफेस सिलेक्ट करते हैं इसको एज ए ट्रिम टूल, इसको हमको रिमूव करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है। तो आप देखेंगे कि हमारा कंप्लीट उस तरह से नहीं बना है जैसा कि हमको चाहिए था। तो सिंपली दोबारा आते हैं सरफेस एक्सट्रूड में, फीचर्स में आने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 50 ओके। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ये वाली प्रोफाइल भी बन चुकी है। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह की प्रोफाइल भी हमको इधर क्रिएट कर लेनी है, तो आप भी इसको क्रिएट कर लीजिए, और क्रिएट करने के बाद फाइनल व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखेगा। तो होपफुली बचे हुए जो हमारे एक्सट्रूड के पार्ट हैं या फिर ट्रिम के पार्ट हैं वो आपने सरफेस में बना लिए होंगे, और बनाने के बाद वन बाय वन इसको आपको कलर करना है, जैसे कि एक कलर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली हम लेते हैं इस वाले रिवॉल्व को, करते हैं इस पर राइट क्लिक, और यहाँ पर हम करते हैं अपीयरेंसेस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद रिवॉल्व, और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमारे कलर्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं रेड, और करते हैं इसको ओके। तो इस तरह से वन बाय वन आपको इसको कलर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइनल व्यू इसका दिखा देता हूँ कि लास्ट में किस तरह से दिखता है। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ये सरफेस में बनके तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।